गुज़श्ता नोटबंदी के बाद से चलन में आए 2000 के नोट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने गुज़श्ता रोज बंद करने का ऐलान किया था, जिसे लेकर सियासी जमातों और लीडरान के रद्देअमल सामने आने लगे। इसी सिलसिले में महाराष्ट्र के साबिक वजीर माहौलियात आदित्य ठाकरे का भी बयान सामने आया। आदित्य ठाकरे ने कहा कि इस तरह बार बार आरबीआई को नहीं करना चाहिए। अगर आरबीआई ने यह डिसीजन लिया है कि 2000 रुपए के नोट वापस करने होंगे तो आरबीआई को वजूहत देनी होगी कि उन्होंने 2000 रुपए के नोट वापस करने का फैसला क्यों किया। हालांकि ये 2000 के नोट कानूनी टेंडर रहेंगे। रिजर्व बैंक ने कहा कि नोटों को बैंकों में 23 मई से लेकर 30 सितम्बर तक जमा कराया जा सकता है या फिर बदला जा सकता है। It is not small. They are seeding hate in our state for their own political benefit. What is important is, under an illegal government who could not take action against their own ministers who have abused women on TV, they could not take action against the Gaddar MLA who has done firing in a police station. What do we expect from this illegal government?